तहसील मुख्यालय किरनापुर से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बेनेगांव की पहाड़ी पर 5 से 6 स्टोन क्रेशर लगे होने से वहीं खदान में जबरदस्त ब्लास्टिंग होती है तो पूरा गांव थर्राकांप उड़ जाता है, मकानों में दरार आने लगी है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम बेनेगांव से पहाड़ी की दूरी 2 किलोमीटर की है, जब जबरदस्त ब्लास्टिंग होने से हमारे कच्चे मकानों में दरार आने लगी है, वहीं पक्के मकानों की स्लेब भी दरारें आ गई है। साथ ही पहाड़ी किनारे लगे समस्त किसानों की खेती में किसानों द्वारा कराए गए बोर खराब हो गए, क्योंकि ब्लास्टिंग होने से बोर के नीचे के पत्थर टूटकर मोटर सहित अंदर चले जाते हैं, जिस पर मिट्टी धस जाने से मोटर अब पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिसे निकालने में भी बड़ी तकलीफ हो रही है। किसान बेली गांव निवासी डालचंद दसारे ने बताया कि पहाड़ी से 500 मीटर की दूरी पर मेरी खेती है, जिसमें 5 एकड़ की रबी फसल लगाया हूं। मेरे गांव कुआं में बोर था कि पहाड़ी पर जबरदस्त ब्लास्टिंग होने से मोटर खराब हो चुकी है और बोर पूरी तरह से मिट्टी मलमा में धस गया है। और गांव के 3-4 लोग गए थे। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, ये आपके मतलब रबी जो है पानी की वजह से ही पक पाती है? हाँ, पानी, लेकिन अब बोर तो बंद है? बंद है, अब नहीं पक पाए। रहने वाले बेनेगांव? क्या नाम बोले? संतोष दसारे, ग्राम बेनेगांव से। बताइए, आप किसान है? जी सर। ये पहाड़ी से कितनी दूरी पे आपकी खेती? सर मुश्किल से यहाँ पे आधा किलोमीटर से भी कम है सर। क्या हुआ बोर को आपके? बोर का प्रॉब्लम ये सर कि मेरी जो मोटर थी, तो वो जो मोटर है अपनी, वो पत्थर के नीचे थी, तो जब ब्लास्टिंग होती थी उस समय पहले, तो उस समय ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, पर बाद में जब ये लोग पावर ज़्यादा ब्लास्टिंग करने लगे, तब उस समय ये बोर में प्रॉब्लम क्रिएट हुई और ये मोटर जो है टूट के गिर गई। अच्छा, तो क्या है कि आप लोगों को मतलब कितने एकड़ में खेती है आपकी? सर ये कम से कम 5 एकड़ में सर, और अन्य लोगों की भी खेती है जो जिनके बोर में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। कितने लोग बोर है ऐसे जहाँ पर? ऐसे 6-7 बोर है सर अभी वर्तमान में। इसमें पानी का जो पुराने बोर है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो नए बोर है उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। जैसे अभी अच्छा, मकानों में भी कहीं कंपन की वजह से? मकान में भी हम, आप गांव में चले जाइए और ब्लास्टिंग करा के देखिए, वहाँ पे स्वयं खड़े रह के देखिए, तो गांव के ऐसे खिड़कियों में ऐसा कंपन सा महसूस होता है, कंपन होता है, जोर से कंपन होता है। यहाँ ये अपने कवेली के मकान के कॉर्नर पे भी कवेली गिरते हैं यहाँ से, इसी की।